दोस्तों आज मैं आपको लखनऊ शहर के बारे में बताऊंगा। नवाबों का शहर लखनऊ भारत के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है और साथ ही देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ये पूरा शहर नवाबों के शहर के साथ साथ बागों के शहर के लिए भी जाना जाता है। बागों का शहर इसलिए क्योंकि इस शहर में दशहरी आमों के बागात की भरमार है, जिसे पूरे भारत के साथ साथ दुनिया भर में भी पसंद किया जाता है। गोमती नदी के किनारे बसा ये शहर लखनऊ भारतीय इतिहास में घटी कई घटनाओं का साक्षी रहा है। ये समुद्र तल से 400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में अगर आपको UP 32 नंबर की गाड़ियां दिखाई देने लग जाए तो समझ लेना कि आप लखनऊ शहर में प्रवेश कर चुके हो। लखनऊ शहर अपनी नजाकत और तहजीब वाली संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 2011 की मर्दमशुमारी के अनुसार लखनऊ में लगभग 30 लाख से अधिक लोग रहते हैं, जिनमें 70% हिंदू आबादी रहती है। लखनऊ शहर भारत के सबसे तेजी से तरक्की करते हुए शहरों की सूची में भी शामिल है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी लखनऊ एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि लखनऊ शहर के हिस्टोरिकल प्लेसेस को कई सारी फिल्मों में भी दिखाया जाता है। इस शहर में 20 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये शहर खास अपने खाने के पकवानों के लिए जाना जाता है, जिसमें लखनऊ के टोंडे कबाब और कुलचा निहारी बहुत मशहूर है। वेज और नॉनवेज दोनों ही खानों के लिए लखनऊ को देश के बेहतरीन जगहों में से एक माना जाता है। भारत के सबसे ज्यादा सुखी और खुशहाल शहरों की सूची में लखनऊ शहर टॉप स्थानों पर आता है। दोस्तों लखनऊ रेलवे स्टेशन ही वो स्थान है जहां पर महात्मा गांधी जी पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। लखनऊ में 130 मीटर की ऊंचाई वाला एक घंटा घर भी बनाया गया है, जो कि हसीनाबाद में बनाया गया है, जिसे भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर होने का गौरव रिकॉर्ड भी हासिल है। भारत के सबसे बड़े पार्क के लिए भी लखनऊ शहर जाना जाता है, जो कि गोमती नगर में ही स्थित है। लखनऊ के नवाबों में आखिरी नवाब नवाब वाजिद अली शाह थे। लखनऊ में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पहले नंबर पर आता है बड़ा इमामबाड़ा। इस इमामबाड़े का निर्माण नवाब आशिफुद्दौला ने 1784 में किया था। लखनऊ के इस इमामबाड़े को भारत की भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। बड़े इमामबाड़े में आसिफी मस्जिद भी है, जहां पर गैर मुस्लिम लोगों का प्रवेश मना है। एक जमाने में बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के नवाबों की शान हुआ करता था। दूसरे नंबर पर है लखनऊ मरियन ड्राइव। मुंबई के मरियन ड्राइव के नाम पर ही लखनऊ की एक सड़क का नाम मरियन ड्राइव रख दिया गया है, जो लखनऊ में गोमती नदी से जुड़ी हुई एक सड़क है। ये जगह लखनऊ में घूमने वाली सबसे अच्छी जगहों में से एक मानी जाती है, जहां पर ज्यादातर जवान और शादीशुदा लोगों की जोड़ियां ही घूमने के लिए आती है। तीसरे नंबर पर है चंद्रिका देवी मंदिर। ये मंदिर लखनऊ के धार्मिक स्थानों में से एक है। ये मंदिर लखनऊ के साथ पूरे भारत के हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के पास एक तालाब भी मौजूद है, जहां पर भगवान शिव जी की प्रतिमा रखी गई है। चौथे नंबर पर है गोमती नदी। गोमती नदी खुद भी एक टूरिस्ट प्लॉट है, जहां पर ढेर सारे लोग हर रोज कश्तियों में घूमने के लिए आते हैं। अगर आप लखनऊ की यात्रा करोगे तो गोमती नदी में नाव की सैर एक बार जरूर कर लेना। दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।